गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हमने एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करी थी, तो टुडे भी डिस्कस एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 का देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एबीसी कैसी ट्राइंगल है, आइसोलेसिस, ए बी इक्वल ए सी एंड बायोसेक्ट एंगल बी एंड सी इंटरसेप्ट ईच अदर एट ओ जॉइंट ए टू सी शो दैट। सबसे पहले देखिए, एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, उसका टाइप जो है वो क्या है, आइसोलेसिस। तो ये आपके पास एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो एंगल बी और सी है वो क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ से ये एंगल लिया हमने, ये दोनों यहाँ मिले ओ पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें जो प्रूव करना है, एक तो करना है ओ बी इक्वल ओ सी, और जो सेकंड पॉइंट प्रूव करना है ए ओ बायोसेक्ट एंगल ए, ये दो बातें हमें प्रूव करनी है। देखिए सबसे पहले देखिए, ट्राइंगल जो दे रखी है आइसोलेस, आइसोलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें टू साइड इक्वल हो, अगर आपकी टू साइड इक्वल है तो क्या कहलाएगी, आइसोलेसिस। तो उसमें हमें बोल रखा है उसने ए बी और ए सी, मीन्स ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये जो एंगल आएंगे ये भी कैसे आएंगे, एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ए बी इक्वल ए सी ये क्या है, गिवन, ठीक है। तो एंगल क्या आ जाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल क्या आ जाएगा, ए सी बी, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो रीज़न आएगा एंगल क्यों ये इक्वल हैं, तो हम रीज़न लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल टू इक्वल, ठीक है, इक्वल साइड आर इन ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में, जैसे ये साइड है ए बी, ठीक है, और ये ए सी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट क्या आ रहा है, एंगल सी, तो ये एंगल यही सेम होगा। ए सी के इक्वल क्या आ रहा है, एंगल बी, तो दोनों एंगल जो है सेम आएंगे। तब देखिए, बी और सी इसको क्या कर रहा है, बायोसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 एंगल ए बी सी, सेम 1/2 एंगल क्या आ जाएगा आपका, ए सी बी, ठीक है। जब इस एंगल को बायोसेक्ट करेगा तो एंगल क्या बन जाएगा आपके पास, बी ओ सी बन जाएगा, एक तो एंगल बी ओ सी, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, सी ओ बी, ठीक है। अभी देखिए, जब ये दो एंगल इक्वल हैं, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, मैंने लिखा था अपोजिट एंगल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड टू इक्वल, ठीक है। अब यहाँ साइड्स की जगह क्या आ जाएगा, एंगल। तो देखिए, जब ये एंगल आपका दोनों सेम है, तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ओ सी, ओ सी इक्वल क्या आ जाएगा, इस एंगल की जो अपोजिट साइड है ओ बी, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट यही जो है प्रूव करना था, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ, ये जो ए ओ है ये बायोसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल ए को। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रेट करते हैं। तो कौन सी दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ये आ जाएगी ए ओ बी, कौन सी आ जाएगी, ए ओ बी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले इस ट्राइंगल कॉन्ग्रेट करने के लिए मैंने बताया था तीन, मतलब कि पॉइंट्स होने जरूरी हैं, या तो दो साइड्स एंगल, या दो एंगल एक साइड, या तीनों साइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं ए ओ जो है दोनों में क्या आ रहा है, ए ओ इक्वल ए ओ, दोनों में ही है, इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में भी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन, हम यहाँ लिख देते हैं कॉमन। उसके बाद देखिए, हमें क्या लाना है, ए ओ बायोसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल ए को, तो ये जो एंगल ए को
बायोसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ए बी और ए सी हमें क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल ए बी इक्वल ए सी, और ये क्या था, गिवन, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमें दे रखी थी गिवन थी, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अब ये क्या आ जाएगा, ए बी ओ बी ओ सी, ये हमने प्रूफ किया ही था, ठीक है ना। तो हमें लिख देंगे ओ बी इक्वल ओ सी, ये प्रूव किया ही था हमने, ठीक है। तो ये तीनों हमने साइड साइड साइड, तो साइड साइड से प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेट है, ट्राइंगल आपका ए ओ सी, और रीजन में क्या लिख देंगे, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए बायोसेक्ट करते हैं एंगल ए को। देखिए ये जो आपकी एंगल ए है, ये मतलब कि जो साइड है इसको बायोसेक्ट कर रही है ये, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सी पी सी टी से आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका एंगल, एंगल जो है आपका बी ए ओ, और इक्वल एंगल आपका आ जाएगा सी ए ओ, किससे आ जाएगा, सी पी सी टी से, ठीक है। और लास्ट में हम फिर लिख देंगे एक लाइन कि ए ओ बायोसेट करता है एंगल ए को, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है, जो भी एंगल बायोसेट करता है, जितने का एंगल ये आएगा वही सेम एंगल यही आएगा। तो सेकंड पार्ट जो है आपका ये प्रूव हो गया, हमने किससे कर दिया, सी पी सी टी से, क्योंकि हमने आपको बताया था कोरस्पोंडिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रेट ट्राइंगल के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ये जो पार्ट आपका आ रहा है एंगल, यहाँ बन रहा है जो एंगल ये, तो दोनों ट्राइंगल में है, तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट हो गए, तो ये रीज़न लिख देंगे हम, सी पी सी टी से आपका प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट आपका, ठीक है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू, ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बायोसेक्टर बी सी। देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास, क्या है, ए बी और सी, जिसमें क्या है कि जो बी सी है वो बायोसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और शो दैट ए बी सी आइसोसेलिस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी। तो देखिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है। आपको जो शो करना है इसमें क्या शो करना है, ए बी इक्वल ए सी, और जब ए बी इक्वल ए सी आ जाएगा, मीन्स ये ए बी और ये ए सी, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी, आइसोसेलिस, और हमें इसमें यही प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, टू ट्राइंगल्स ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, एंड ट्राइंगल क्या आ जाएगी, ए डी सी, ए डी सी। देखिए ए डी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले ए बी डी में, और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ए डी जो है दोनों में ही है, तो हम लिख देंगे ए डी इक्वल ए डी। पहला पॉइंट तो आपका आ जाएगा क्या, कॉमन, एक पॉइंट तो हमने आपको प्रूव कर दिया। उसके बाद देखिए डी जो है मिड पॉइंट है, जब किसी लाइन पे कोई मिड पॉइंट होता है तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, तो मींस ये बी डी और ए डी सी भी आपका क्या हो जाएगा, बी डी और ए डी सी, ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि क्या है डी जो है आपका, यहाँ रीजन लिख देंगे, मिड पॉइंट किसका है, बी सी का। तो आपके दो पॉइंट हो गए प्रूफ। अब हमें क्या लाना है, ये ए बी और ये ए सी जो है ये हमें क्या है प्रूफ करना है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों पे जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी बी और इक्वल ए डी सी, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री ईच, क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री का। तो तीन पॉइंट हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए, दो साइड एक एंगल। तो जो ट्राइंगल आपका आया है ए बी डी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो गया ट्राइंगल ए डी सी, और यहाँ रीजन क्या लिखोगे आप, एस ए एस, मतलब दो साइड एक एंगल लिया। अब ये आपका जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो गए तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए सी, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, सी पी सी टी। तो कोरस्पोंडिंग जो पार्ट है कॉन्ग्रेट ट्राइंगल के क्या कर दिए हमने, इक्वल कर दिए। अभी दो साइड इक्वल हैं तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो यही उन्होंने आपसे पूछा था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एन आइसोलेसिस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रोन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, तो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी। ए बी पर और ए सी पर दो एल्टीट्यूड लिए गए हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ से हमने एक लिया ई और यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर लिया F। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो हमें शो करना है वो ये शो करना है कि ये जो E और C है और F B, ये जो परपेंडिकुलर हैं क्या ये इक्वल हैं। तो देखिए ये हमें प्रूव करना है, ये जो आपका आ रहा है मतलब कि B F और क्या आ रहा है ये E C, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। और हम इसमें बोल रखा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए सबसे पहले हम देखो ट्राइंगल जो ले लेते हैं इसमें इन ट्राइंगल कॉन्ग्रेट कर लेते हैं। पहले ट्राइंगल कौन सी आ जाएगी बी ई सी एंड ट्राइंगल क्या आ जाएगी आपकी बी सी एफ। ठीक है, तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर बी सी आ रहा है, इस ट्राइंगल में आपका बी सी आ रहा है, दोनों में तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो जाएगा बी सी इक्वल बी सी और रीज़न क्या आ जाएगा कॉमन, क्योंकि कॉमन है दोनों में दे रखा है। दूसरा देखिए ये जो लाइन आपकी आ रही है मतलब इस एंगल को बायोसेक्ट कर रही है, तो सेम इस एंगल को बायोसेक्ट कर रही है। और मैंने आपको बताया था ये जो दो साइड हैं इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ एंगल जो बनेगा वो भी क्या बनेगा सेम, तो यहाँ क्या आ जाएगा ई बी सी और एंगल आपका इसमें क्या आ जाएगा बी सी एफ, दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे और रीज़न क्या आ जाएगा वही सेम अपोजिट एंगल टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए दो पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, एक ही साइड आ गई है दो एंगल आ गए हैं। अब देखिए ये जो आपका एंगल है ये एंगल दोनों कितने डिग्री का बना रहे हैं 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे एंगल कितने का बनता है 90 का। तो एंगल ई और एंगल एफ दोनों क्या आ जाएंगे 90 डिग्री, तो ट्राई एंगल जो आपकी थी बी ई सी और ट्राइंगल दूसरी कौन सी थी बी सी एफ, ये कॉन्ग्रेट हो गई। अब यहाँ रीजन क्या लिखेंगे एस ए एस, टू साइड और एक एंगल से हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रेट है। ठीक है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो जाएंगी तो हमें प्रूव ये करना था बी एफ और सी ई, तो ये इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बी एफ इक्वल ई सी और रीजन में हम क्या लिखेंगे सी पी सी टी, तो ये हमें प्रूफ करना था इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन 1 2 3 डिस्कस किए हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।